चलिए, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने टेंस से स्टार्ट किया था और नॉन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस जो था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग का जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? आइडेंटिफाई यानी पहचान कैसे करेंगे? इसको पहचान करने का सबसे आसान तरीका है एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस लाइक रहा है, रही है, रहे हैं एंड ऑल सो द एक्टिविटीज ऑफ द कॉन्टिन्यू फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टाइम। यानी कभी भी यदि प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में ऐसे लगे कि कोई काम कॉन्टिन्यू हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये कॉन्टिन्यू है, मैं चल रहा हूँ, फैन घूम रहा है मतलब पंखा घूम रहा है, आप बोल रहे हैं, श्याम खाना खा रहा है, गीता खाना बना रही है ना, सरिता किताब पढ़ रही है, इससे हमें ये साबित होता है या ये चीज़ लगता है कि कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यू फॉर्म में चल रहा है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कहें यहाँ पर, देखिए उदाहरण के लिए आपके सामने है, राम एक पत्र लिख रहा है, राम एक पत्र लिख रहा है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, तो एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस में आपका क्या वर्ड लगा हुआ है? रहा है। इसमें वर्ड क्या लगा हुआ है? रही है। तो इससे ये साबित होता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस में कौन सा है? तो प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि है की मात्रा आ रहा है। राम एक पत्र लिख रहा है तो क्या लग रहा है? एक तो वर्तमान में ये काम हो रहा है और काम कंटिन्यू चल रहा है, राम पत्र लिख रहा है, राम तो रुका नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को डिनोट करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग क्या? सब्जेक्ट, यानी कि राम। अब इसके बाद किसी भी, मतलब इंग्लिश और हिंदी में सबसे आसान ट्रिक देते हैं कि हिंदी हमेशा सीधे चलता है और इंग्लिश हमेशा उल्टे चलता है। आपको किसी फार्मूले की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मैथ या फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको हर बार फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश सबसे आसान होता है। राम की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? राम। और रहा है के लिए एक ही वर्ड होता है, इज। यदि सिंगुलर है तो इज, और यदि प्लुरल है तो आर। अब सिंगुलर और प्लुरल सबको समझ में आता है, पहले क्लास में नाउन पढ़ा दिए थे, शुरुआती दौर से चला रहे थे सब चीज। तो राम इज, अब यहां पर क्या लिख रहा है भाई? पत्र लिख रहा है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में हमेशा वी फोर यानी वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होता है। जिसे राइट जो होता है वी वन हो गया, रोट उसका वी टू हो गया, रिटेन वी थ्री हो गया, और राइटिंग जो होता है क्या होता है? वी फोर होता है। तो राम इज राइटिंग, क्या लिख रहा है भाई? तो एक पत्र, तो ए लेटर। दूसरे सेंटेंस में लड़कियां स्कूल जा रही है, पहला नंबर के सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो प्लुरल है, सिंगुलर तो है नहीं। लड़की रहता तो सिंगुलर होता, लड़कियाँ हैं तो क्या होगा? प्लुरल होगा। तो यहाँ पर लड़कियाँ स्कूल जा रही है तो लड़कियों के लिए क्या वर्ड यूज होगा? द गर्ल्स। क्या होगा? द गर्ल्स, ठीक है? द गर्ल्स जो कि प्लुरल है, इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि रहा रही में आपको एक ही ट्रिक लेके चलना है कि रहा रही होगा तो वहां पर इज, आर और एम ही होगा, आई के साथ एम और सिंगुलर के साथ इज और प्लुरल के साथ क्या होगा? आर होगा। और यही पांच फॉर्म में रहेगा, यानी रहा था, रही थी, तो उस जगह पे वाज बेयर हो जाएगा, है ना? देखिए, द गर्ल्स आर, जाना का स्पेलिंग होता है गो, लेकिन जिस हिंदी सेंटेंसेस के अंत में यानी एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस लाइक रहा है, रही है, वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? वी फोर का। तो जाना का स्पेलिंग गो नहीं, यहां पर गोइंग हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यू फॉर्म चल रहा है और कॉन्टिन्यू में आई एन जी लगेगा ही लगेगा, ठीक है? द गर्ल्स आर गोइंग कहाँ पर? स्कूल। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हम एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं टू, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने के लिए एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है फ्रॉम, ठीक है? तो गोइंग टू स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सबको? चलिए अब यहां पर देखिए, बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है। बढ़ई क्या कर रहा है? एक कुर्सी बना रहा है। सबसे पहले हम लोग बढ़ई को कारपेंटर यानी सब्जेक्ट डिनोट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद हम लोग इस एम आर में से किसी एक का चुनाव कर लेंगे, प्लस में हम लोग यहाँ पर वी फोर का, और प्लस में हम लोग अदर वर्ड यूज कर लेंगे, है ना? ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला है।
यदि हम लोग निगेटिव फार्मूले बात करें तो 95% केसेस में नॉट जो होता है वो तीसरे स्थान पे आता है, यानी सब्जेक्ट इज ए मार्क का चुनाव कर लें और यहाँ पर यदि नॉट लगा ले तीसरे चरण में तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। इज ए मार्क को आगे कर ले तो ये हमारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। डब्ल्यू एच फैमिली में इंट्रोगेटिव चलेगा तो डब्ल्यू एच सबसे आगे हो जाएंगे, है ना। बढ़ई एक कुर्सी क्या कर रहा है, बना रहा है, ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो लिखेंगे बढ़ई का स्पेलिंग कारपेंटर। आप चाहें तो कारपेंटर में एक कारपेंटर लिख सकते हैं क्योंकि बढ़ई में एक ही बढ़ई का उल्लेख हो रहा है यहाँ पर, लेकिन बढ़ई एक कास्ट ऑफ नाउन है तो इसकी जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, डी वर्ड यूज कर देंगे, दी कारपेंटर। अब यहाँ पर रहा है के लिए क्या यूज कर रहे हैं, इज। अब बनाना का स्पेलिंग बहुत सारा होता है, बनाना का स्पेलिंग प्रिपेयर भी होता है, कुकिंग भी होता है, मेड भी होता है, मेकिंग भी होता है, है ना, रेडी भी होता है, रेडी मतलब ही बनाना या तैयार करना, बहुत सारा मीनिंग होता है। तो किसी भी चीज़ को, किसी टूल्स या उपकरण को बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मेकिंग वर्ड यूज करते हैं। द कारपेंटर इज मेक को मेकिंग इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू फॉर्म है, रहा है, रही है। क्या एक कुर्सी तो ए चेयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक कुर्सी नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, केवल ये वर्ड लिख देते हैं क्या, दी कारपेंटर इज मेकिंग चेयर या फिर दी चेयर, क्या लिखते बताइए। यदि हम यहाँ पर एक को काट देते हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर क्या वर्ड लिखिएगा, इसको हटा दीजिए, केवल चेयर छोड़ दीजिएगा या फिर दी वर्ड यूज कीजिएगा या ए वर्ड यूज कीजिएगा, क्या कीजिएगा आप लोग, ए चेयर और बताइए, केवल चेयर, ए चेयर ही होगा। यदि एक नहीं भी रहेगा तो दी वर्ड यूज नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पर हम लोग ए चेयर ही रखेंगे। अब जैसे हम पूछते हैं कि यह क्या है तो हम लोग बोलते हैं दिस इज अ पेन, ये क्यों वर्ड यूज होता है, यह कलम है, यह एक कलम है या फिर यह कलम है तो इसके साथ अ वर्ड यूज हो रहा है, दिस इज ए पेन बिकॉज यूज ऑफ द आर्टिकल बिफोर द नाउन। एक संज्ञा है भाई, ये कॉमन नाउन है, एक संज्ञा है पेन। वह मैदान में दौड़ रहा है, वह यानी लड़का है तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। दौड़ना के स्पेलिंग होता है रन, लेकिन इसमें यूज कर रहे हैं हम लोग रनिंग, ही इज रनिंग इन द फील्ड। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, लड़के यानी प्लुरल वर्ड है, द बॉयज आर प्लेइंग ए फुटबॉल मैच। मैं एक गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं पांच गाने गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग ए नहीं फाइव सॉन्ग्स, फाइव सॉन्ग नहीं फाइव सॉन्ग्स, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग टू यू। पंखा घूम रहा है, फैन इज मूविंग, पंखा नहीं घूम रहा है, फैन इज नॉट मूविंग, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको कर लेंगे। क्या किसी को लिखना है ये उदाहरण, अरे जो बड़ा बच्चा है वो नहीं लिखेगा, लेकिन इसमें बहुत बच्चा है जिसको दिक्कत होगा, चलिए इसको लिखिए जल्दी से, कुछ मत लिखिए, ऊपर वाला ये उतार लीजिए, दो मिनट लगेगा, सब एक जैसे बच्चे नहीं है इसमें। टेंस पढ़ाने का रीजन दो था, एक था कि बहुत बच्चों का टेंस जो था वो अच्छा नहीं था, मतलब पढ़े थे लेकिन अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो ये डालकर और यहाँ से लिख लीजिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
लिखिए इसको। देखिए अब इसका यदि नेगेटिव सेंटेंसेस की यदि हम बात करें, है ना, हम लोग इसमें नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव का फार्मूला क्या है? नेगेटिव का फार्मूला ये है कि आप सर इज एम आर के बाद तुरंत नॉट लगा दें, यानी तीसरे चरण में। मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, शी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। गाय घास नहीं चर रही है, द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। ठीक है, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, वे का स्पेलिंग दे होता है जो कि प्लुरल है, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। सही है, चलिए अब इसी में यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लें तो इसमें इज एम आर क्या होता है, पहले आ जाता है। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही है? अब लड़कियां है तो आर द गर्ल्स, जैसे यहां पर क्या पहले आया तो हमारा इज एम आर भी क्या होगा, पहले आ जाएगा। तो आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? सूर्य का स्पेलिंग होता है द सन, जो कि सिंगुलर है, तो ये होगा इज द सन राइजिंग इन द स्काई। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो यहां पर होगा एम, इसलिए क्योंकि आई है, मैं का स्पेलिंग आई होता है, तो एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। इस प्रकार आप सारे ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। क्या किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप यहां से आप सर बनाइए और देखते हैं किसका कितना सही होता है। ठीक है, आपको देखिए, आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से आपको हिंदी दिया गया है और इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है आपको अभी। चलिए अब बनाइए यहां से। केवल 10 सेंटेंसेस है, चलिए इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। चलिए देखिए यहां पर, यहां पर जो फर्स्ट सेंटेंस है, हल्ला मत करो, फर्स्ट सेंटेंस है यू आर रीडिंग ए बुक, इसको मंजीत बताएगा। हाँ अच्छा ठीक है, किताब पढ़ रही हो चाहे किताब, तुम्हें किताब पढ़ रहे हो होता है ना, तुम पढ़ रही हो नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। सेकंड सेंटेंस का कौन हिंदी रिप्लाई करेगा? संजीत, ठीक है कर लो। वे लोग हार्ड मेहनत कर रहे हैं। ये नवाडे कहाँ जाएगा? अभी तक नहीं होता है, आजकल होता है। आजकल वे लोग हार्ड मेहनत, मतलब कठिन मेहनत कर रहे हैं या कठिन काम कर रहे हैं। चलो थर्ड नंबर आरिफ। ठीक है, फोर्थ नंबर अवधेश। ठीक है, फाइव नंबर कविता। चलो हाँ बोलो, आसान है, आसान है, मतलब ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क इन द क्लास। ठीक है, सही है। सिक्स नंबर कौन बताएगा? खुशी। छ नंबर बताओ, खुशी बताएगी, ईशु बताएगी और रिया बताएगी, तीनों में से कोई भी बता सकती है। छ नंबर और सात नंबर तुम्ही लोगों को बताना है। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और सेवन नंबर थोड़ा गलत हो गया है, ये कैपिटल होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ हमसे। ठीक है अनामिका, आठ नंबर बनाओ। ठीक है, नाइन नंबर कौन बनाएगा? पीछे में है कोई? सरस्वती बनाएगी। चलो नाइन नंबर बनाओ, वाई आर दे टॉकिंग टूगेदर? नहीं बनाएगी, तुम बनाओ। ठीक है, दस नंबर
कोई बना सकते हो, सबसे आसान क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस हम लोग का कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत हुआ इसमें, परफेक्ट में हम लोग मूव कर रहे हैं। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ए हल्ला कर रहा है सब लोग, फिर उछड़ाओ तो उसको, हाँ अंकित अंकित उसको ऐसे ही कर दो। चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यानी एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस क्या वर्ड लगा रहता है, चुका चुकी चुके हैं, हाँ, या फिर ऐसी एक्टिविटी शो हो रही है कि कोई काम अभी भी समाप्त हुआ है, जैसे मोहन जा चुका है, सीता गीत गा चुकी है, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूँ, कोई भी एक्टिविटी लगेगा कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है ना। इसके यदि फार्मूलाज की यदि हम लोग बात करें तो इसके फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज अब्लिक हैव, और जहाँ हैज और हैव आ जाते हैं वहाँ कौन सा वर्ब आता है, वर्ब थ्री, और बाकी का अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव का फार्मूला है सर, नेगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज अब्लिक हैव प्लस नॉट भी थ्री और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या होगा, हैज और हैव को पहले कर देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा, हैज हैव को पहले कर देंगे, हैज अब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच का फार्मूला क्या होगा, डब्ल्यू एच प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए सेंटेंसेस को सर, सूर्य अस्त हो गया, अभी भी हुआ लग रहा है ना, फील हो रहा है ना, कभी भी कोई काम हुआ, सूर्य अस्त हो गया, द सन हैड सेट, द सन हैड सेट, ये सेट कौन सा वर्ड है, भीतरी वर्ड है, मैंने उसे नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन, सी नहीं सी का भीतरी, आई हैव नॉट सीन, तुमने तुमने किया, सॉरी क्या किया होगा ना, यहां पर क्या होगा, सुधार लीजिएगा इसको, तुमने क्या किया, ठीक है, व्हाट हैव यू डूइंग, व्हाट हैव यू डन, डू का क्या हो जाएगा डन, उसने कभी कभी मेरी मदद की है, ही कैपिटल होगा, ही हैज हेल्प मी ओकेशनली, है ना। देखिए आपका ये फॉर्मूला हम लिख भी दिए थे, सब्जेक्ट प्लस हैज है में से कोई एक होगा प्लस भी थ्री होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा सर। एग्जांपल्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए लिखिए तो इसको, जिसको लिखना है ये लिख लीजिए, उतार लीजिए इसको, जिसको लिखना होगा उतार लीजिएगा। आइडेंटिफाई, पहचान कैसे कीजिएगा, चुका चुकी है ना, सॉरी चुका है चुकी है चुके हैं, सब में है लगा दीजिएगा। और एक साथ एक चीज और होगा कि कोई भी काम अभी अभी समाप्त हुआ है, क्या होगा, कोई भी काम अभी अभी समाप्त होगा, एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस लाइक चुका है चुकी है चुके हैं, एंड जो भी वर्क होगा जो भी काम होगा, हाँ ये वाला भी आ सकता है, जैसे कि मैंने ये काम कर लिया, सूर्य अस्त हो गए, देखो यहाँ पर गया, वह हम लोगों को भूल गया, ये भी लग रहा है ना कि ये मतलब अभी भी मतलब ऐसा हो रहा है कुछ। चलिए इसको लिखिए, और लिखने के बाद इसको फार्मूला लिखकर